तो भुवनेश्वर शहर की निगरानी अब हाईटेक तरीके से आसमान से की जाएगी। भुवनेश्वर पुलिस ने जीपीएस लगे एडवांस ड्रोन से शहर की निगरानी शुरू कर दी है। इससे न सिर्फ असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सकेगी बल्कि ट्रैफिक जाम की जो समस्या होती है उससे भी आसानी से निपटा जा सकेगा। इससे वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में भी आसानी होगी। सबसे बड़ी बात कि ड्रोन के इस्तेमाल से पुलिस कर्मियों की कमी की समस्या नहीं होगी। एक ड्रोन ही 5 किलोमीटर के दायरे में निगरानी का काम कर सकेगा। असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए तीसरी आंख तैनात हो चुकी है। भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीपीएस तकनीक से लैस उन्नत ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि भुवनेश्वर पुलिस ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है जिसमें नाइट विजन की सुविधा है, यानी रात के अंधेरे में भी असामाजिक तत्वों पर इसकी मदद से निगरानी करना आसान होगा। 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला ये ड्रोन 5 किलोमीटर की दूरी तक हाई रेजोल्यूशन एरियल तस्वीरें ले सकता है। इससे न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जा सकेगा बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ रैली के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना या निगरानी करना भी अब ड्रोन की मदद से काफी आसान हो जाएगा। बड़ी बात ये है कि तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस पर काम का दबाव भी कम हो सकेगा और चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भुवनेश्वर में हॉकी फुटबॉल जैसे इंटरनेशनल मैच आयोजित होते रहते हैं। पुलिस के लिए ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी ड्रोन से नजर रखना आसान होगा। वी एबल टू कीप क्लोज वॉच ऑन एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेस्टिंग विद such device and our people are getting acquainted with it and as we start using it on a regular manner we will be looking forward to induct more such drones into the city. भुवनेश्वर पुलिस ही नहीं, देश के कई राज्यों की पुलिस अब कानून और व्यवस्था बनाए रखने में ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। सेना और मेडिकल क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर चुका ड्रोन अब खाकी का मददगार साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।